गुड मॉर्निंग डियर बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पहले पढ़ेंगे द मीनिंग ऑफ पी एन जंक्शन और उसके बाद जंक्शन किस तरह से फॉर्म होता है, देन द एक्सप्लेनेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड. सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक पी एन जंक्शन. जंक्शन मीन्स एक ऐसी प्लेस जहाँ पर पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ज्वाइन हो रहे हैं. यू कैन ऑल्सो कॉल एज दैट पी एन जंक्शन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. लाइक अब डिफरेंट डिवाइसेस हैं हमारे पास जो सेमीकंडक्टर मैकेनिज्म को यूज करती हैं. दोज आर डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर्स का मीनिंग हम लोग पहले ही देख चुके हैं. दिस इज ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर्स बेसिकली यूज्ड एज एन एम्पलीफायर. सो पहले हम लोग देखेंगे कि पी एन जंक्शन किस तरह से फॉर्म होता है. तो पी एन जंक्शन को फॉर्म करने के लिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग बेसिकली लेते हैं अ वेरी थिन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वेफर. ठीक है, बेसिकली वो पी टाइप का होगा सिलिकॉन वेफर जो कि बेसिकली कंटेन करेगा ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज को. एंड इन दिस पी टाइप वेफर वी विल ऐड अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी. सो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है, रिकॉल एन टाइप. ठीक है, सो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जो वेफर है, वो कन्वर्ट हो जाएगा पी एंड एन टाइप दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर में. एंड नाउ दिस वेफर विल कंटेन पी टाइप रीजन एज वेल एज एन टाइप रीजन एंड हेंस where p and n will join, there we will be getting a particular metallurgical junction. और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि the impurities are added by the process of doping and the impurities added are called as the dopants. So इस junction को बनाने की process में मेनली दो प्रोसेस आकर होंगी. फर्स्ट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज द डिफ्यूजन, मीन्स डिफ्यूज हो जाना, मिक्स हो जाना. एंड द सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट. डिफ्यूज मीन्स मिक्स हो जाना एंड ड्रिफ्ट मीन इन कॉन्स्टेंट स्पीड से मूवमेंट का स्टार्ट हो जाना. सो लेट्स सी दिस पिक्चर. इसमें आपके पास ये वाला जो वेफर है वो पी टाइप वेफर है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज मिक्स किया हुआ. एंड दिस वेफर इज द एन टाइप वेफर विच हैज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज. सो ऑब्वियसली व्हेन एवर वी कंसीडर द एन टाइप सेमीकंडक्टर, वी कैन से द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर as compared to the concentration of holes. Got it? And whenever we discuss the p-type semiconductor, we can say that the concentration of holes is much larger than the concentration of the electrons. So, ek aisi place, ye aap place dekh sakte hain, ये एक ऐसी प्लेस है जहां पर जंक्शन फॉर्म्ड है. सो लेट्स एज्यूम वी कैन शो द जंक्शन बाय ग्रीन लाइन. इस जंक्शन के अक्रॉस मींस इन द लेफ्ट साइड एज वेल एज इन द राइट साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर वेरीज. सो ओवर हियर ये जो पी टाइप है, यहां से होल्स डिफ्यूज हो जाएंगे एन साइड की तरफ और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो जाएंगे पी साइड की तरफ. सो वी कैन से बेसिकली दैट होल्स आर डिफ्यूजिंग एज कंसीडर्ड विद द होल्स, दे डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू द एन साइड
एंड इफ वी कंसीडर इलेक्ट्रॉन्स दे डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू द पी साइड. सो दिस डिफ्यूजन ऑफ चार्ज करियर्स विल बी गिविंग अस द डिफ्यूजन करंट. ठीक है, मतलब सिर्फ डिफ्यूज हो रहे हैं, मीन्स वो सिर्फ ट्रांसफर हो रहे हैं. सो दे आर गिविंग, द मोशन ऑफ चार्ज करियर्स इज गिविंग राइज टू द डिफ्यूजन करंट अक्रॉस द जंक्शन. सो व्हेन एवर वी कंसीडर एन साइड, जैसे आपने पहले कंसीडर किया, अज्यूम करते हैं, पहले हम कंसीडर करते हैं एन साइड. एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. So whenever an electron diffuses from n side to p side like this, n side to p side, it leaves behind an ionized donor on n side. क्योंकि जब वो अपनी place खाली करके जाएगा, so वो अपनी place पर एक vacancy create कर देगा, which is also called as the ionized donor, and this is called as the पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोगों ने बाद में कॉल किया था होल. अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इमोबाइल होगा. ठीक है, द रीजन क्यों इमोबाइल होगा, ये व्हाई इट इज इमोबाइल, बिकॉज वी कैन से दैट इट इज, द रीजन इज इट इज बाउंडेड टू द सराउंडिंग एटम्स. तो एक वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है जिसको हम लोगों ने बोल दिया होल. सो यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंटिन्यू दे विल डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू द पी साइड एंड हेंस अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन इज फॉर्म्ड ऑन एन साइड ऑफ द जंक्शन. दिस यू कैन सी इन द फिगर. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जब एन साइड में से इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इस एरो से दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में डिफ्यूज होते जाएंगे तो वो यहाँ पर इस तरह के वैकेंसीज क्रिएट करते जा रहे हैं विच आर कॉल्ड एज द होल. अब सिमिलरली इफ वी कंसीडर द पी टाइप सेमीकंडक्टर, दैट इज पी साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर, वी कैन गेट the holes are diffused, see by this arrow, holes are diffused from p side to the n side and hence this is a layer of negative charge which is again immobile. ye bhi ek immobile layer hai negative charges ki jo develop ho jayegi p side mein. सो ये जो दोनों लेयर्स डेवलप हुए हैं ओवर हियर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड ओवर हियर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, बोथ आर इमोबाइल, कि उसमें कहीं भी कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. सो दिस लेयर इज कॉल्ड एज द डेप्लीशन रीजन बिकॉज दिस इज डिवॉइड ऑफ द मोबाइल चार्जेस. यहाँ पर चार्जेस बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और वो अपनी प्लेस से मूव नहीं हो सकते. सो दिस इज कॉल्ड एज द डेप्लीशन रीजन. सो वी शुड बेसिकली रिमेंबर दैट द थिकनेस ऑफ द डेप्लीशन रीजन, द थिकनेस ऑफ द डेप्लीशन रीजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/10 of a micrometer. This is the thickness of a depletion region. So due to the positive charges, see this, due to these positive charges on n side of the semiconductor and negative space region on p side of the junction, we can get there is a development of potential difference or the electric field which is directed from positive charge to the negative charge, and due to this field, ki yahan par aapke paas ek special field prepare ho jayega, so let's denote this by an imaginary battery, ki ye plus aur ye minus,
जिसको हम बोल देंगे पोटेंशियल बैरियर। सो ड्यू टू दिस पोटेंशियल बैरियर, बैरियर मीन्स इसने फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्जेस के लिए एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया। सो नाउ द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर इज प्रिवेंटेड ड्यू टू दिस पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस पी टाइप एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। हेंस वी कैन से देयर इज द नीड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर इज नीड ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड across the PN junction diode. So, because to create the drift of the charges, क्योंकि charges का जो diffusion था वो रुक चुका था, hence we can say whenever we apply the external electric field, there will be a drift of the charges or there will be the development of drift current which will be in opposite direction टू द डिफ्यूजन करेंट। ठीक है, तो चार्जेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने के बाद एक कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करने लगेंगे एंड दैट कॉन्स्टेंट स्पीड और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम विल बी फ्लोइंग द ड्रिफ्ट करेंट, वेयर एज द डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस across the junction was making the diffusion current. So we can say by conclusion that as we consider initially, ये आप जब starting में consider करते हैं तो आपके पास diffusion current की value large है but आपके पास drift current की value small है, क्योंकि charges का movement तो रुक चुका था। Therefore, the space charge regions on either side of the junction extended, hence increasing the electric field and hence slowly the electric current due to the drift of the charges will increase. And this process will continue unless we get the value of drift current is equal to the value of diffusion current. Got it? So, जैसे ही आपको ये condition मिल जाए कि drift current is equal to diffusion current, you will say that there is establishment of an equilibrium and in equilibrium we will get no net current. So, equilibrium के condition में आपको नेट करंट की वैल्यू मिल जाएगी जीरो, क्योंकि वैसे भी ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट था। सो जब हम लोग मेन फिगर में डेप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर के अक्रॉस कंसीडर करेंगे, वी कैन से दैट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन, ठीक, एंड सेकेंड प्रोसेस क्या है आपके पास, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय पी रीजन विल कॉज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन ऑफ द टू रीजन्स एंड हेंस द पोलैरिटी ऑफ दिस पोटेंशियल इज टू अपोज द फर्दर फ्लो ऑफ कैरियर्स. So therefore the potential barrier is formed. So we can say again that N material, जो हम N type semiconductor, जो कि pentavalent से बनाया है हमने, तो उसको हम assume करेंगे N type material is thus positive relative to as compared to the P type semiconductor. ठीक, so this potential will, ये जो potential develop हुआ है, ये जो potential develop हुआ है, ये prevent करेगा further movement of the charges. So prevent करता है, therefore it is also called as the potential barrier or barrier potential. So in this topic, which terms we have learned? The first term was the formation of the P-N junction. The second term was the depletion region
मीन्स एक ऐसा रीजन जहां मोबाइल चार्जेस फाइंड नहीं कर सकते आप. एंड द थर्ड टर्म इज द पोटेंशियल बैरियर और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बैरियर पोटेंशियल. सो दिस टॉपिक प्रिपेयर्स अस वेल फॉर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज द सेमी कंडक्टर डायोड. ठीक है, डायोड मीन्स दो इलेक्ट्रोड्स. सो बेसिकली व्हाट इज अ सेमी कंडक्टर डायोड? दिस इज सिंपली अ पी एन जंक्शन विथ मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स. कि इसमें आपके पास इलेक्ट्रोड्स के लिए मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स दिए जाएंगे प्रोवाइडेड एट द एंड्स सो दैट वी कैन अप्लाई देम for the external voltage. And if we represent the semiconductor diode in both ways, one will be the schematic diagram जो आपको इसकी scheme बताएगा, and second will be the symbol for the semiconductor diode, which is also called as the PN junction diode. So if we consider the first figure shown in the screen, we can say that this figure shows the junction. As you can see here, this is the junction, this is the junction. Dikh raha hai beta acche se? Ye aapko yellow color se junction dikhe, which is also called as PN junction. W is the width of the depletion region. ये पूरा आपके पास में depletion region बन चुका है. Depletion region ने positive and negative fields के बीच में एक potential difference establish कर दिया है, which is shown here with the help of the potential barrier. So the electric field is directed from positive to negative. So it is shown in this direction, and this PN junction is shown in the condition of equilibrium when we say that the drift current is equal to the diffusion current, means there is no net current across the diode. Now this is the barrier potential जिसको हम लोगों ने show किया हुआ है V0 से, क्योंकि जैसे ही इंटरनली यहाँ पर V0 इस्टेब्लिश हो चुका होगा, वी कैन से दैट देयर इज नो फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्जेस एंड हेंस द वैल्यू ऑफ द नेट करेंट बिकम्स इक्वल टू जीरो. अब हम लोग देखते हैं ये एक सेमी कंडक्टर डायोड मीन्स अगेन पी एन जंक्शन डायोड को इस तरह से दिखाया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने अभी बायसिंग कनेक्ट नहीं की है. बायसिंग मीन्स टू कनेक्ट द डायोड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल बैटरी. ठीक है, अभी हम लोगों ने बैटरी से इस डायोड को कनेक्ट नहीं किया, बिकॉज व्हाट वी हैड सीन इन द प्रीवियस फिगर, डायोड इक्विलिब्रियम में है, मीन्स नेट करेंट इज इक्वल टू जीरो. सो अगर डायोड के थ्रू करंट ही नहीं फ्लो हो रहा, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डायोड? सो आपको अब अगर करंट रिक्वायर्ड है, सो बायसिंग विल बी नीडेड. सो बायसिंग मींस बायस मींस टू कनेक्ट द डायोड विद द हेल्प ऑफ द बैटरी सो दैट अदर आयंस कैन ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर, कि उसको वो क्रॉस कर सके. तो एक्चुअल बैटरी ने एक ऐसा पोटेंशियल सप्लाई करना चाहिए जिसकी वैल्यू V0 से ज़्यादा हो. तो ये आपके पास में एक अनबायस्ड डायोड है. दिस इज मेटेलिक कॉन्टैक्ट एज वेल एज दिस इज मेटेलिक कॉन्टैक्ट, एंड दिस इज द सिम्बॉलिक डायग्राम ऑफ पी एन जंक्शन डायोड विच शोज दैट द ट्राइंगल. ये जो ट्राइंगल है, this tells us the direction of the conventional current only when the diode is in the condition of forward bias. ठीक है, the triangle जो ये symbol है, symbolic diagram में जो triangle है
वो ट्राइंगल का डायरेक्शन मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करेंट ओनली इन द केस व्हेन द पी एन जंक्शन डायोड इज इन द कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड बायस। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, व्हेन पी एन जंक्शन डायोड इज अंडर फॉरवर्ड बायस। तो पहली बात है बायसिंग मीन्स डायोड को एक बैटरी से कनेक्ट कर देना, एंड उसमें भी बायसिंग में भी हमारे पास दो टाइप के टर्म्स आ सकते हैं, वन इज द फॉरवर्ड बायस एंड अनदर इज द रिवर्स बायस। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि हम फॉरवर्ड बायस किसको बोलते हैं। सो पहले हम लोग डायोड को कनेक्ट करने वाले हैं फॉरवर्ड बायस में, एंड वी विल बी स्टडिंग ग्राफ, लो वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी एक्सेट्रा, एंड देन वी विल बी स्टडिंग द नेचर ऑफ पी एन जंक्शन डायोड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द रिवर्स बायस। तो पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड मीन्स आयंस का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना। सो द डेफिनेशन इज व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज वी इज अप्लाइड अक्रॉस अ सेमीकंडक्टर डायोड सच दैट पी साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इट इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक, तो जो ट्राइंगल था सिम्बॉलिक डायग्राम में वो हमको डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट दिखाता है। नाउ हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़े थे सच एज द डेप्लीशन रीजन एंड द वोल्टेज ड्रॉप और द वोल्टेज डिफरेंस क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। सो व्हाट वाज द डेप्लीशन रीजन? अ रीजन, दिस वाज अ रीजन वेयर देर आर नो मोबाइल चार्जेस, मतलब सारे के सारे चार्जेस इमोबाइल थे। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द डेप्लीशन रीजन वॉज वेरी हाई एज इफ वी कंपेयर इट टू द रेजिस्टेंस ऑफ एन साइड और पी साइड। ठीक है, दोनों से जब हम कंपेयर करते हैं तो डेप्लीशन लेयर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ पी टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द डेप्लीशन रीजन। अब इस डायोड को हम बोलेंगे कि ये फॉरवर्ड बायस में है। सो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस मेजॉरिटी चार्ज करियर्स हैं एंड ओवर हियर द नेगेटिव चार्जेस आर द मेजॉरिटी चार्ज करियर्स बिकॉज इन द एन रीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर वेयर एज इन द पी रीजन number of holes per unit volume that is the concentration of holes is much greater। तो जैसे ही एज्यूम करते हैं एक होल जो कि मोबाइल है बिकॉज यहाँ के होल्स मोबाइल होंगे बट ये जो रीजन है यहाँ पर इमोबाइल चार्जेस हैं तो यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगा। सो यहाँ से एक होल जब इस रीजन को क्रॉस करना चाहता है तो इस रीजन का बैरियर पोटेंशियल इसको अपोज करेगा इस होल के मूवमेंट को। सो देयरफॉर दिस होल विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड व्हेन इट रीचेस टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इट इज रिपल्ड बाय दिस पॉजिटिव टर्मिनल एंड बाय गेनिंग काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इट कम्स बैक and then with that extra energy it just jumps the potential barrier and reaches in the n region। now few holes will recombine with the electrons but many holes will be crossing the depletion region as well as the potential barrier and here they reach and then by flowing in the circuit they complete the loop।
So we can say that the direction of conventional current is from P region to the N region. So in this case, we can show the PN junction diode by the symbolic diagram P type and then N type. Now we can see the adjacent graph. Check this. Over here, we are taking three cases, like case number one, when the diode is under forward biased, then we are getting the potential barrier V0. Then when the diode is without biasing, that is without battery, then we are getting graph number 2, and graph number 3, when the diode is connected to very high voltage battery. So these are the three graphs we are getting in the case of a PN junction diode. So in three cases, the response is different. Now, this is the third diagram where forward biased diode is showing the minority carrier injection. Now, let's see what is minority carrier injection. So check this. Because in this potential barrier or in the depletion region, there exists the concentration gradient. Concentration gradient means lengthwise charges ka jo concentration hai wo change hota jayega. So over here in the P side, the electrons are the minority carriers, and in the N side, the holes are the minority carriers. So in the P side, electrons on P side and holes on N side diffuse from the junction edge. These are shown by the dots. Junction edge se wo diffuse ho jate hain dusre ends mein jane ke liye. So we can say that the minority charge carriers are injected in the opposite side. So what we can gain, the motion of charge carrier on either side will be giving rise to the current. So we can say in the forward biased, the total diode current is equal to the sum of hole diffusion current and the electron diffusion current, and the magnitude of this current will be usually in milliampere, where we can note that 1 ampere equal to 10 to the power minus 3 ampere. So aapko yahan par jo majority charge carriers ke karan current milega, that will be in the forward biased and whose order will be in milliampere. But we will be getting some forward bias minority carrier injection also when the P type of diode is connected to positive terminal of the battery and N type of the diode is connected to the negative terminal of the battery. Now let's study the next case when PN junction diode is under reverse bias. So check the circuit diagram of reverse bias. Whenever an external voltage capital V is applied across the diode such that N side of the diode is connected to the positive terminal of the battery. Check this. N side is connected to the positive terminal of the battery, and P side of the diode, this is P side of the diode, it is connected to the negative terminal of the battery, then it is said to be in the reverse bias. So we can say that the applied voltage, ye jo hum logo ne voltage apply kiya hua hai, this drops across the width of the depletion region, that is W.
नाउ डेप्लीशन रीजन में ये है आपके पास होल्स एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बैरियर पोटेंशियल, वेयर एज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. Therefore, we can say the second point is the direction of the applied voltage is same as that the direction of the barrier potential or across the depletion region. So, as a result, अगर ये दोनों same direction में है तो इससे जो barrier potential या फिर barrier height है that is W, that will go to increase and hence we can say if W increases therefore the barrier potential also increases. So now if the external voltage is V and the barrier potential is V0, so now the total effective height becomes V0 plus V. So therefore, when this increases, we can also say that E is equal to V by D, where electric field is directly proportional to the potential. So when potential increases, we can say this suppresses the flow of charges, like flow of electrons from N side to P side, and the flow of holes from P side to N side. Therefore, we can say that the diffusion current decreases enormously when we compare this condition of the diode. Check this. When we compare this condition of the diode as to the diode in the forward bias. So, when we take graph number B, this is graph number B. This is the barrier potential under reverse bias, such that you can check that the effective potential in graph number 2 is total V0 plus V, whereas in forward bias it was just the barrier potential, that is V0. ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि जो drift of carriers हैं वही current को rise कर रहे हैं. So we can compare both the diagrams. ये diagram आपको दिखाया हुआ है forward bias में. Check P type is connected to the positive terminal and N type is connected to the negative terminal. So this is the circuit diagram to use diode in the forward bias, whereas the second diagram is using the PN junction diode in the reverse bias. Because P type of this diode is connected to the negative terminal and N type of this diode is connected to the positive terminal. So, जब हम ये दोनों graphs को compare करते हैं, we can easily check that in this we have used a milliammeter because the current is in milliampere, but in second figure we have used a microammeter because the current is obtained in the microampere. And now, when we consider this diagram, check this. This diagram again compares the graphs. This region of the graph is in forward bias and this region of the graph is in reverse bias. So, agar is graph ko hum bolein ki this is the graph for VI, characteristics of the diode in forward bias as well as in reverse bias, we can compare that on x-axis we are taking V in volt and on y-axis we have taken I in milliampere because this is for forward bias, and on negative y-axis we have taken I in microampere because this is for reverse bias. क्योंकि just अभी circuit diagram में हम लोगों ने check कर लिया है कि आपको जो forward bias में current मिलेगा that will be much more larger in milliampere as compared to the current in the reverse bias,
बिकॉज ओवर हियर वी आर गेटिंग द करेंट इन माइक्रो एम्पियर. सो यहाँ पर जब हम लोग ग्राफ का ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, चेक दिस फॉरवर्ड बायस्ड करेंट, वी चेक दैट करेंट फर्स्ट इंक्रीजेस वेरी स्लोली ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली टिल द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड क्रॉसेस अ सर्टेन वैल्यू एंड आफ्टर दिस सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज द करेंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, एक्सपोनेंशियली करेंट बढ़ता जा रहा है. इवन व्हेन वी आर टेकिंग अ स्मॉल इंक्रीज इन द डायोड वोल्टेज, डायोड वोल्टेज में बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट है बट करेंट बिल्कुल से बढ़ रहा है. सो दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. ठीक, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलेंगे हम. और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कट इन वोल्टेज विच कैरीज द वैल्यूज 0.2 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड दिस इज 0.7 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन. दिस इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जहां पर करंट शार्पली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. बट इफ वी आर कंसीडरिंग द डायोड इन द रिवर्स बायस, वी से दैट द करंट इज वेरी स्मॉल, दैट इज इन माइक्रो एम्पियर एंड ऑलमोस्ट, चेक दिस पार्ट ऑफ द graph, check this, it is very small and it remains, the voltage remains almost constant. So this is called as the reverse saturation current. ठीक है, reverse में हम बोलेंगे reverse saturation current. But for special cases, check the diagram. स्पेशल केसेस में हम देख सकते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर, ये आपके पास है पर्टिकुलर वोल्टेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेक डाउन वोल्टेज. कुछ स्पेशल डायोड्स में हम इसको बोल देंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज. तो इस टाइप के कंडीशन में करंट बिल्कुल एब्रप्टली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. सो देयरफॉर we are not using general purpose diode in the reverse breakdown condition. So therefore, the voltage at which the current increases very sharply is called as the reverse breakdown voltage. So PN junction diode ka basically hum kahan par use le rahe hain, when the current is flowing only in one direction, that is in the forward biased. So because the resistance in the forward bias condition is low as compared to the resistance taken in the reverse bias condition. So this property of diodes we are using in the rectification of AC voltage. The rectification kisko bolenge aap? Whenever we are converting AC voltage into DC voltage, this is called as the rectification of the voltages. Now, for diodes, we are taking a special type of physical quantity, which is also called as the dynamic resistance. जब भी resistance constant नहीं होगा, हम उसको बोल देंगे dynamic resistance. So, for diodes, dynamic resistance is defined as the ratio of small change in the voltage to a small change in the current, which we can take with the help of the graph. And what is the threshold voltage? Isko bhi ek baar revise kar lete hain. What is the threshold voltage? Whenever a PN junction diode is in forward bias, then we get the potential barrier appears like a knee. ठीक है, इस टाइप से आपके पास ऐसा एक knee बन जाता है यहाँ पर. तो therefore this knee appears as the threshold voltage or the knee voltage. And the current corresponding to this is called as the reverse saturation current.
एंड आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज भी इसी कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करते आ जाएगा. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडीइंग एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन.